के तेजस ने अचानक मचा दिया कोहराम। तेजस की एक खास ताकत ने मचा दिया भौकाल। पहले 12 से अधिक देशों ने दे दिया था प्री ऑर्डर। अब पूरी दुनिया में एयर वॉर का बड़ा विकल्प बना तेजस। दोस्तों, इस वक्त भारत अपनी सैन्य ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है और इसी फेहरिस्त में भारत एक ओर जहां अपनी मिसाइलों को लगातार अपग्रेड कर रहा है और उनकी टेस्टिंग कर रहा है, तो वहीं भारत अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए भी एक ओर जहां अपने मित्र देशों से डील कर रहा है, तो वहीं खुद भी विमान तैयार कर रहा है। और इसी दिशा में भारत ने दुनिया के लिए एक तूफान खड़ा किया है जिसका नाम है तेजस, जिसके सामने दुनिया का सुपरसोनिक विमान भी फेल साबित हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की ताकत के प्रतीक तेजस विमान की, जिसने दुनिया में बवाल मचा दिया है। इसकी चर्चा दुनिया ने पहले भी सुन रखी थी कि तेजस काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसकी ताकत को दुनिया ने लाइव देखा हाल ही में मलेशिया में, जहां मलेशिया ने लड़ाकू विमान की डील करने के लिए भारत, रूस, चीन और साउथ कोरिया के विमान पेश हुए थे। लेकिन मलेशिया ने भारत के तेजस की ताकत, इसकी फीचर्स, इसके हल्केपन को देखते हुए डील फाइनल कर दी। इसके बाद तो तेजस विमान को लेकर दुनिया जैसे भारत पर टूट ही पड़ी है। दोस्तों, इस विमान को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से दुनिया इस विमान की मुरीद हो रही है। लेकिन अब इस विमान को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद दुनिया में तहलका मच गया है और दावा किया जा रहा है कि ऐसी तकनीक रखने वाला भारत का ये पहला विमान है और इन्हीं ताकत के चलते भारत का ये विमान राफेल से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। चलिए बात करते हैं आखिर तेजस की किस ताकत की कायल हो रही है दुनिया, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तेजस के एल्गोरिदम को देख दुनिया में मच गया बवाल। अब ताकत देख कई और देश खरीदने को तैयार। दोस्तों, भारत के लिए एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था जब भारत के फाइटर जेट्स में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज भारत को फाइटर जेट देने वाले देश भी भारत के तेजस विमान को खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर F-35 लड़ाकू विमान बनाने वाला देश अमेरिका भी तेजस विमान को अपने बेड़े में शामिल करने की बात कह चुका है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि इस फाइटर जेट में ऐसा क्या है जिसके कारण हर कोई इसे खरीदना चाहता है। दुनिया के देशों को अब तेजस फाइटर जेट की काबिलियत का अंदाजा हुआ जब अमेरिका ने भी इसको लेकर दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी, तो आखिरकार इसमें कौशिक हो गया है। इसके कारण पूरी दुनिया इसकी फैन बन गई है। तो चलिए भारत के स्वदेशी फाइटर जेट की खासियत के बारे में आपको बताते हैं, जिसको देखकर अमेरिका, अर्जेंटीना, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश भारत के आगे लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, तेजस फाइटर जेट लाइट कॉम्बैट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसका निर्माण भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है, जो एक कंपाउंड डेल्टा विंग वाला टेललेस विमान है। इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन 2007 में शुरू हुआ था। अब इसके दो सीटों वाले ट्रेनर संस्करण का भी निर्माण किया जा रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम फाइटर जेट हैं जिनका उपयोग वायुसेना के साथ साथ नौसेना भी कर पा रही है। लेकिन भारत का तेजस विमान ये वो लड़ाकू विमान है जो युद्ध पोतों पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने की काबिलियत रखता है। उधर जब भी दुनिया में सस्ते और ताकतवर लड़ाकू विमानों का जिक्र किया जाता है, तो सबसे पहला नाम भारत के तेजस विमान का ही आता है। आपको बता दें, तेजस मार्क 1 विमान की एक यूनिट का खर्च लगभग 550 करोड़ के करीब आता है, जिसके चलते अब छोटे छोटे देश भी भारत के तेजस विमान को अपने फ्लीट में शामिल करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत के जंगी बेड़े में जो फाइटर जेट है उसमें सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस विमान का नाम शामिल है। दोस्तों, अब खुलासा हुआ है कि तेजस विमान अपने फायर एल्गोरिदम के जरिए
इन सभी फाइटर जेट से खास बन गया है। इस स्वदेशी फाइटर जेट का 50% कलपुर्जा भारत में ही निर्मित किया गया है। इस फाइटर जेट में इजरायली ईएलएम 2052 रेडार का भी उपयोग किया गया है, जिसके चलते तेजस विमान एक साथ 10 ठिकानों को ट्रैक करके उन पर निशाना लगाने के लिए सक्षम हो गया है। तेजस विमान की एक और बहुत बड़ी खूबी है, इसका मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम आता है और यह आसानी से 500 मीटर के रनवे पर लैंड कर सकता है। भारत में मौजूद सभी फाइटर जेट्स में यह सबसे हल्का फाइटर जेट है। वो ताकत जो राफेल में नहीं बल्कि तेजस में है, फ्रांस भी कर सकता है भारत से इसकी डील। दोस्तों, तेजस में 6 तरीके की मिसाइलों को लोड किया जा सकता है, जो इसे बाकी लड़ाकू विमानों से खास बनाता है। इस फाइटर जेट के निर्माण के वक्त इसके वजन पर खासा ध्यान दिया गया था। इसका वजन सिर्फ 6500 किलोग्राम है, जिसके चलते ये आसानी से युद्धपोत पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इस फाइटर जेट की रफ्तार की बात करें तो इसकी स्पीड के आगे राफेल फाइटर जेट भी कहीं नहीं ठहरता है। इसकी स्पीड राफेल से 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। इस फाइटर जेट के निशाने को अचूक बनाने के लिए इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब लगाने की भी सुविधा दी गई है। उधर दुश्मन के किसी भी डिजिटलाइजेशन हमले से बचने के लिए इसमें जैमर का भी उपयोग किया गया है। ये तेजस विमान एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसे आसमान में 52,000 फीट की ऊंचाई पर भी तैनात किया जा सकता है। उधर तेजस विमान की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये हवा में रहते हुए भी फ्यूल भर सकता है, जिससे ये जमीन बनाकर आसमान में ही फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस लड़ाकू विमान को डॉग फाइट के लिए भी काफी उपयुक्त लड़ाकू विमान माना जाता है, क्योंकि ये दुश्मन के किसी भी रेडार को चकमा देने की काबिलियत रखता है। पिछली बार सिंगापुर में हुए एयर शो के दौरान भारत ने पहली बार अपने तेजस विमान की काबिलियत को दुनिया के सामने रखा था। इसकी ताकत को देखकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के अधिकारी तक भौचक्के रह गए थे और जैसे ही ये आसमान में अपना जौहर दिखाकर नीचे लैंड किया, पाकिस्तान के अधिकारी भी इसके कॉकपिट पर झांकते नजर आए थे। काफी सस्ता होने से टूट पड़ रहे हैं दुनिया के देश। इतना सस्ता और आधुनिक तकनीक से लैस विमान और कहीं नहीं। तेजस विमान के लगातार बढ़ रहे डिमांड के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लड़ाकू विमान सस्ता होने के साथ आज के लिहाज से सभी टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसके चलते अमेरिका भी अपने महंगे महंगे लड़ाकू विमानों के फ्लीट में तेजस विमान को भी शामिल करने की दिलचस्पी दिखा रहा है। वहीं पाकिस्तान और चाइना ने जिस JF-17 लड़ाकू विमान का निर्माण किया है, उसकी तुलना में भारत का ये तेजस विमान कहीं ज्यादा एडवांस और घातक है। मौजूदा वक्त में अर्जेंटीना और मलेशिया की नजरों में तेजस विमान एक सुपर वॉर प्लेन की तरह सामने आ रहा है। मलेशिया के सामने चीन, रूस, साउथ कोरिया के भी लड़ाकू विमानों को रखा गया था, लेकिन मलेशिया भारत के तेजस विमान से अभी तक अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा है। उधर भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुके चीन के एक और दुश्मन देश फिलीपींस ने अपनी वायुसेना में तेजस विमान को शामिल करने के लिए भारत से बातचीत करनी शुरू कर दी है। भारत का यह स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपनी स्पीड, अपने एल्गोरिदम, अपनी मारक क्षमता और एक साथ 10 ठिकानों को ट्रैक करने की काबिलियत के चलते दुनिया के कई महंगे महंगे लड़ाकू विमानों की तुलना में अपनी ओर ध्यान खींचने की शुरुआत कर चुका है। खबरों के मुताबिक आने वाले कुछ ही सालों में तेजस विमान कई देशों की वायुसेना में शामिल होने वाला है।